हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में जो कि होने वाली है होम वर्कआउट। और आज भूपेंद्र जी फिर से हमें बताएंगे कि आज किस मसल को हम ट्रेन करेंगे। तो आज घर पे इन लोगों को क्या बताओ, यूट्यूब फैमिली को, घर पे हम कौन सी मसल ट्रेन करेंगे? ट्राइसेप। बिना जिम जाए ट्राइसेप मसल। ओके, आज भूपेंद्र जी हमें बताएंगे कि बिना जिम जाए घर पे ट्राइसेप मसल को कैसे हिट कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करेंगे और उनका गलत पोस्चर क्या होगा, राइट पोस्चर क्या होगा, तो हमें बताएंगे। बताएंगे सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होने वाली है स्कल क्रशर, बारबल स्कल क्रशर इसको बोलते हैं। और देसी भाषा में बताऊं तो ये होने वाली है टेडी रॉड या फिर ईजेड बार या फिर जिग जैग रॉड, इससे हम ट्राइसेप करते हैं, उसको बोलते हैं स्कल क्रशर। नाम पे मत जाओ, पोस्चर और देखना, ठीक है? तो चलिए भूपेंद्र जी बताइए इसका गलत पोस्चर क्या होगा, राइट पोस्चर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। फोकस। तो देखो, मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, बिगनर्स लोग क्या गलती करते हैं कि जो ईजेड बार है, इसको मैं बार बोलूँगा, तो रॉड बोलता हूँ आपको ताकि अच्छे समझ में आए, रॉड को फेस में लेते हैं। ये हैवी वेट में जाने की भी कोशिश करते हैं, ईगो लिफ्टिंग ऑटोमेटिक आ जाती है उनमें, एक दूसरे को देख के, किसी अच्छे एथलीट को देख लिया वो गुड फॉर्म में कर रहा है और उसके मुकाबले हैवी वेट उठाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं हो पाएगा, उसकी सालों की तपस्या है। लोग क्या करेंगे, आएंगे अच्छे एथलीट को देखेंगे, भाई वो भी ये कर रहा है, स्कल क्रशर कर रहा है, मैं भी करूँगा, और वेट हैवी ले लेंगे और ईगो लिफ्टिंग करने लगेंगे और पोस्चर ख़राब हो जाएगा। पोस्चर ख़राब होता है तो कैसे करते हैं, ये फेस पर आएगी बार, हैवी वेट रहेगा, फेस पे बार आएगी, किसी दिन ग्रिप छूट गई बाई चांस तो मुंह टूट जाएगा, सीधी सी बात। इसका राइट पोस्चर क्या होगा भूपेंद्र जी बताएंगे, एल्बो स्ट्रेट, बार हेड से थोड़ा सा अप रहेगी, गुड, बार हेड से थोड़ा सा अप रहेगी, बाई चांस अगर ग्रिप छूटती भी है, बार छूटती भी है तो वो हेड से ऊपर बाउंस होगी, नीचे जा सके या फिर हम उसको सपोर्ट कर पाए, ठीक है, गुड करिए, वन स्ट्रेच डाउन, गुड, अप डाउन अप, देख रहे हैं आप डिफरेंस, देख रहे हैं फेस में और ओवरहेड बार को ले जाने में बहुत डिफरेंस है, करिए डाउन अप, राइट पोस्चर यही रहेगा दोस्तों। सेकंड एक्सरसाइज क्या होने वाली है, ट्राइसेप एक्सटेंशन, राइट पोस्चर ये रहेगा, ये हाथ भी हमें यूज़ में लेना है पोस्चर बनाने को या फिर थोड़ा सा सपोर्ट देने को अगर हैवी वेट हो पाए तो। चलो गुड, वन टू फोर फाइव, राइट पोस्चर रहेगा अपना, ये करके दिखाइए, वन टू थ्री फोर, आप देख रहे हो ट्राइसेप कितना अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, पंप कितना अच्छा आ रहा है, गुड। तीसरी एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है भूपेंद्र जी बताएंगे, साइड ट्राइसेप एक्सटेंशन, गलत पोस्चर क्या रहेगा भूपेंद्र जी बताइए, वही सेम गलती लोग करते हैं बिगिनर्स जो है, हमें ये कभी नहीं करना है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, फेस पे इसको लेके जाएंगे, फेस पे गलत बताइए, ये बाई चांस डंबल मिस हो गया, गिर गया फेस पे, नाक टूट गई, हाँ तो इंजरी के चांस आ रहा है, राइट पोस्चर से करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और इंजरी के चांस भी जीरो रहते हैं दोस्तों। राइट पोस्चर क्या रहेगा भूपेंद्र जी बताइए, शोल्डर लॉक, ओनली एल्बो मूवमेंट करेगी, गुड, स्क्वीज स्ट्रेच, गुड, पुश करेंगे इसको, ट्राइसेप एक्सटेंशन इसका नाम है, मसल को एक्सटेंड करेंगे, गुड, राइट पोस्चर ये रहेगा। तीन सेट एवरी एक्सरसाइज के, 12-12 रेपिटेशन या 15-15 रेपिटेशन बिगिनर लोग कर सकते हैं, घर पे डंबल होना ज़रूरी है इन एक्सरसाइज के लिए, ये होम वर्कआउट बताइए, आज मैंने आपको स्कल क्रशर बताया, इसके लिए आपके पास ईजेड बार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ्लैट जो बार है सीधी जो आप रॉड बोलते हो उसको, उससे रिस्ट पे प्रेशर पड़ता है, रिस्ट पे इंजरी के चांस ज़्यादा है, तो इसलिए स्कल क्रशर करने के लिए आपको ईजेड बार होना ज़रूरी है, ये आप मंगा सकते हो, ईजिली अवेलेबल हो जाएगी होम वर्कआउट्स के लिए, और मुझे लगता है कि डंबल भी इजी अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट में मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, आप
डंबल मंगा सकते हो। हमने आज आपको डंबल और बार से एक्सरसाइज बताई ट्राइसेप की, ठीक है। और अब मैं आपको पंप दिखाता हूँ कि जो जो एक्सरसाइज की है कितनी इफेक्टिव है, कितना अच्छा इनसे पंप आया है। मैं एक बार ट्राइसेप फ्लैक्स करके बता दूँ, ये देखिए लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड विजिबल हो रहे हैं पूरे। थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, धूप ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि ये होम वर्कआउट है, सर्दी का मौसम है। मैं ऊपर लेके आया हूँ आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए ऊपर आया हूँ, ठीक है। साइड से पर गुड, बैक से ये आप देख रहे होंगे, ये शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड बहुत बढ़िया गुड। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, वर्कआउट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा, ऐसे आपको मसल्स को डेवलप करवाता रहूँगा, आपके जो सारे मेथड उनको क्लियर करवाऊँगा और आपको एक अच्छी फिजिक ज़रूर देके जाऊँगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। आने वाले टाइम में बिगनर्स के लिए एपिसोड आने वाले हैं, 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं चैनल पर, और लगातार डेली, शायद मुझे ऐसा लगता है डेली नई वीडियो शॉर्ट डेली इस चैनल पर डेली शॉर्ट डलते ही हैं, इन्फॉर्मेटिव और लॉन्ग वीडियो भी डे बाय डे आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।